नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता। एक बार फिर मौसम इंग्लैंड का है, क्योंकि इस बार भारत वहां टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। और एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा दौरा जहां विराट कोहली की टीम इंडिया इतिहास रचना चाहेगी, क्योंकि 1932 में भारत ने इंग्लैंड से ही क्रिकेट खेलने का आगाज किया था। उस वक्त भारत गुलाम था, अंग्रेजों का ही गुलाम था, और अंग्रेजों के मुल्क लॉर्ड्स के मैदान में जाकर भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता। खैर, भारत कई बार इंग्लैंड गया है, हर दशक गया है, लेकिन 3 मरतबा ही भारत वहां जाकर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहा। 1971, 1986 और 2007। सफर बहुत लंबा है, तकरीबन 86 साल का यह सफर है भारत के इंग्लैंड दौरों का। और इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में हम सारी यादें समेट कर लाए हैं, यादें इंग्लैंड की, क्योंकि ये यादें भारत की इस टीम को, विराट कोहली के इन खिलाड़ियों को और विराट कोहली की इस टीम को और बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। तो सफर का आगाज होता है 30 के दशक से। 30 का दशक ऐसा जहां भारत ने क्रिकेट में पांव रखे। लॉर्ड्स के मैदान में ही भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता। और 30 के दशक में भारत 2 बार इंग्लैंड गया, दोनों बार हारा, लेकिन भारत को क्रिकेट के कदम लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। June 25, लॉर्ड्स का मैदान। भारतीय टीम अपने ही शासकों से भिड़ने क्रिकेट की जन्मभूमि पर पहुंची थी। कप्तानी पोरबंदर के महाराज ने नहीं की तो सीके नायडू को दे दी गई। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्ला थाम पहुंच गए मैदान पर। लगा नई टीम के लिए मौका पहला है, हावी हो जाएंगे। Well, Indians felt slightly nervous because they had never played a test match before and there were so many people shouting and there was nervousness in our camp. लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। तगड़ी कदकाठी वाले मोहम्मद निसार और अमर सिंह की जोड़ी जल्द ही इस खेल की किताबों में जगह बनाने वाली थी। भारत पर हुकूमत जमाए बैठे अंग्रेजों को यकीन न था कि ये टीम उसे 259 रन पर समेट सकती है। दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान था। नायडू ने इंग्लैंड की रफ्तार का डटकर मुकाबला किया, 40 रन बनाए, लेकिन टीम ने साथ नहीं दिया, सिर्फ 189 रन ही बना पाई। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बढ़त ली और आखिरकार जीत दर्ज कर ली। इस मैच के साथ ही भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी कमजोरी दर्ज हो चुकी थी जो आने वाले 75 सालों में टीम को सालने वाली थी। मौके का फायदा उठाना ये टीम कभी नहीं सीख पाई। लेकिन पहले ही टेस्ट से भारतीय क्रिकेट ने अपनी पहचान बना ली थी। इसके 4 साल बाद ही भारतीय टीम फिर से लॉर्ड्स में थी। एक सीरीज का अनुभव हौसले बढ़ा रहा था, लेकिन इतने नहीं कि वो जीत में तब्दील हो पाते। भारतीय टीम हार गई, लेकिन खुशी इसी बात की थी कि अमर सिंह का खौफ बरकरार था। सिर्फ 35 रन खर्च कर वो 6 अंग्रेजों को पेवेलियन लौटाने का करिश्मा दिखा चुके थे। मुश्किलें दूसरे टेस्ट में भी साथ थी, लेकिन विजय मर्चेंट के शतक ने हार को ड्रॉ में बदल दिया। अब बारी थी ओवल में आखिरी टेस्ट की। टॉस भी इंग्लैंड ने जीता और तीसरे टेस्ट के साथ साथ सीरीज भी। अब नतीजों के लिहाज से तो 30 के दशक ने भारत को बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन भारत के कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम पूरी दुनिया की जुबान पर आया, खास तौर से इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के। कर्नल सी के नायडू, अमर सिंह, मोहम्मद निसार, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने इन दौरों पर अपनी छाप छोड़ी। देश के पहले टेस्ट कप्तान कोट्टारी कनकैया नायडू, यानी सी के नायडू, वही शख्स जिसने 1932 में हुए पहले टेस्ट में देश का नेतृत्व किया। दौरे पर सभी 26 मैच खेले, 40.45 के औसत से 1618 रन बनाए और साथ ही हासिल किए 65 विकेट। इतना ही नहीं, 1932 दौरे पर उन्होंने जड़े 32 छक्के।
छह फीट लंबे नायडू का आक्रामक बैटिंग स्टाइल गेंदबाजों की लय बिगाड़ने के लिए काफी था। अगले ही साल विजडन को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड सीके नायडू के नाम करना पड़ा। 1932 का दौरा, फर्स्ट क्लास मैच, 111 विकेट, 641 रन। ये था गेंदबाज अमर सिंह का वो खौफ जिसने बाद में लेन हटन जैसे खिलाड़ी को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अमर सिंह से बेहतर गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं देखा। सच में वो थे ही ऐसे। विरोधी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाना तो जैसे उनका शौक था। 1932 में अगर अंग्रेज अपने ही मैदान पर किसी भारतीय खिलाड़ी से डरे थे तो वो थे अमर सिंह। लॉर्ड्स टेस्ट में 4 विकेट और 1 अर्धशतक उनकी गेंदबाजी की धार साबित करने के लिए काफी थे। लेकिन अमर सिंह यहीं नहीं रुके। 1936 की इंग्लैंड सीरीज और फिर दूसरे विश्व युद्ध से पहले घरेलू सीरीज में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन विरोधियों पर कहर बरपाता रहा। तीस के दशक के क्रिकेट में विजय मर्चेंट को भुला देना किसी गलती से कम नहीं होगा। 1936 के इंग्लैंड दौरे पर 51.32 के औसत से 1745 रन जुटाने वाले विजय मर्चेंट के लिए खिलाड़ी ये तक कहने लगे थे कि इस खिलाड़ी को सफेद पेंट करके ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग के लिए ले चलो। तो ऐसे कमाल के थे 30 के ये 3 हीरो जिन्हें भारतीय क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भुला पाएंगे। आज तक ब्यूरो। फिर आया 40 का दशक, एक ऐसा दशक जहां विश्व युद्ध 2 हुआ, साथ ही साथ भारत 1947 में आजाद भी हुआ। अंग्रेजों से ही भारत की गुलामी छूट गई, लेकिन आजादी के ठीक एक साल पहले 1946 में भारत इंग्लैंड गया था। अब नतीजे के लिहाज से भी भारत को इस दौरे से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम नामों से याद किए जाएंगे। 1946, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत में चल रही थी आजादी की लड़ाई। लड़ाई तो वैसे एक दूसरी भी जारी थी और वो थी क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों को टक्कर देने की। इस बार कमान संभाली इफ्तिखार अली खान यानी नवाब पटौदी सीनियर ने, वही पटौदी जो 30 के दशक में इंग्लैंड की ओर से भी खेल चुके थे। शुरुआत इस बार फिर लॉर्ड से हुई और पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन लाला अमरनाथ के 5 विकेट हॉल और 1 अर्धशतक ने क्रिकेट की दुनिया को एक और हीरे से रूबरू करा दिया था। ड्रॉ हुए दूसरे टेस्ट में भी लाला अमरनाथ का कहर जारी रहा और तीसरा टेस्ट विजय मर्चेंट के शतक ने ड्रॉ की ओर धकेल दिया। वैसे ताकतवर बैटिंग लाइनअप वाली भारतीय टीम ने 29 फर्स्ट क्लास मैचों में से 11 में जीत हासिल की और सिर्फ 4 में ही उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लाला अमरनाथ और वीनू मानकड़ ने तो लगे हाथों इंग्लैंड में 1947 में लीग क्रिकेट खेलने के करार भी कर लिए, जो इस बात के संकेत थे कि आंकड़ों के लिहाज से सीरीज हारे भारतीय इंग्लैंड से बहुत कुछ जीत कर जा रहे हैं। खासतौर से दो ऐसे कोहिनूर जिनका नाम 40 के दशक के बाद हर किसी की जुबान पर आया, वो थे विजय हजारे और लाला अमरनाथ। भारतीय क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तीस और 40 के दशक की क्रिकेट में विजय मर्चेंट को भुला देना किसी गलती से कम नहीं होगा। 1936 के इंग्लैंड दौरे पर 51.32 की औसत से 1745 रन जुटाने वाले विजय मर्चेंट के लिए विरोधी ये तक कहने लगे थे कि इस खिलाड़ी पर सफेद पेंट करके इसे ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग के लिए ले चलो। 1946 दौरे पर उन्होंने जड़े 7 शतक, 2 दोहरे शतक और 26 तिहरी शतकीय साझेदारियों में से 15 में उन्होंने खास योगदान दिया। लीस्टर में तो उनका प्रदर्शन और भी कमाल का था। ठंड, खराब रोशनी और बूंदाबांदी, इन सब पर भारी पड़े विजय मर्चेंट के लेट कट, स्क्वायर कट, हुक और ड्राइव।
वैसे 1946 दौरे पर तो सारी तारीफ लाला अमरनाथ ने ही बटोरी। 1936 में कप्तान से बहस के बाद स्वदेश लौटने वाले इस खिलाड़ी को 13 साल बाद जब टेस्ट खेलने का मौका मिला तो अंग्रेज गेंद और बल्ले से उनका कमाल बस देखते ही रह गए। वही छोटा रनअप, रॉन्ग फुट डिलीवरी और बैटिंग का आक्रामक स्टाइल। 2 साल बाद ही लाला अमरनाथ को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कप्तानी करने का मौका मिला तो आजाद भारत के इस पहले टेस्ट कप्तान ने डॉन ब्रैडमैन को भी अपनी रणनीति का मुरीद बना लिया। आज तक ब्यूरो। 50 के दशक में भारत 2 बार इंग्लैंड गया। नतीजों के लिहाज से दोनों दौरे भारत के लिए बहुत साधारण थे और भारत बुरी तरह से हारा, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि भारत को इस 2 दौरों में ऐसे सितारे मिलने शुरू हुए जो भारत में क्रिकेट को बढ़ावा भी दे रहे थे। इंग्लैंड में भी लोगों ने कहा कि इन तरह के खिलाड़ी इंग्लैंड से खेलते तो शायद और बेहतर खिलाड़ी होते। ये थे वीज, विजय हजारे, विनू मांकड़ और विजय मांजरेकर। 50 के दशक में शर्मनाक हार के बावजूद हौसले बढ़ाने वाले कुछ लम्हे भी भारतीय टीम को नसीब हुए। लीड्स टेस्ट में जब शुरुआती 4 बल्लेबाज फ्रेड रूमेन के कहर से बिना रन बनाए पेवेलियन लौट गए थे तो वो कप्तान विजय हजारे ही थे जिन्होंने एक छोर पर टिककर अर्धशतक पूरा किया। विजय हजारे ने उस दौरे पर खेले 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 30.77 के औसत से 1077 रन बनाए। सीरीज में 55.50 के औसत के साथ उन्होंने बनाए 333 रन और वो ही सर्वश्रेष्ठ स्कोरर भी बने। उस सीरीज में ट्रूमैन के कहर का विजय हजारे के साथ मिलकर विजय मांजरेकर ने डटकर मुकाबला किया। मांजरेकर ने 22 फर्स्ट क्लास मैचों में 39.22 के औसत से 1059 रन बनाए जिनमें 2 शतक भी शामिल थे। 1959 सीरीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ विजय मांजरेकर की 204 रनों की पारी उस दौरे पर डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी। 50 के दशक में एक और खिलाड़ी ने इंग्लैंड में तारीफ बटोरी, बुलवंत राय हिम्मत राय मानकट, साथ ही जिन्हें प्यार से विनू मानकट बुलाते थे। विनू उस सीरीज में 3 टेस्ट खेले और 54.20 की औसत से जुटाए 271 रन, जबकि 42.89 की औसत से 9 बल्लेबाजों को उन्होंने पेविलियन की राह भी दिखाई। वैसे 1952 के लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 72 रन और दूसरी पारी में 184 रन और 5 विकेट हॉल का लम्हा शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूलना चाहेगा। 60 का दशक भारत बदल रहा था, भारत की सोच बदल रही थी, भारत के कप्तान बदल रहे थे। ये वो दशक था जहां पर नवाब पटौदी कप्तान बनकर आए और नवाब पटौदी ने खिलाड़ियों को बताया कि आप बड़ौदा के लिए, बॉम्बे के लिए, होलकर के लिए नहीं खेलते हो, अब भारत के लिए खेलते हो। नवाब पटौदी पहले कप्तान थे जिन्होंने भारत के खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, उन्हें देश की टीम के तौर पर बनाया। ये वो दशक था जहां भारत एक बार इंग्लैंड गया, हारा, लेकिन अब आने वाले वक्त में भारत ने इंग्लैंड को यह बता दिया था कि दांत निकल रहे हैं और ये दांत बहुत जल्दी काटेंगे भी। 1967 भारतीय टीम का 60 के दशक में ये इकलौता इंग्लैंड दौरा था, पर दिक्कतें थी कि सफर में टीम का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक तो नवाब पटौदी और चंदू बोर्डे के अलावा किसी भी खिलाड़ी को इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं था और ऊपर से खराब मौसम और फिटनेस की मार। लेकिन पहला टेस्ट पूरी सीरीज का आकर्षण बटोर कर ले गया। लीड्स में हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 555 रन बना डाले। जानते हैं कैसे? इसमें अकेले 246 रन तो बिना आउट हुए जेफरी बॉयकॉट के थे। ये बात और है कि 573 मिनट में और 555 गेंदों पर बनाए गए इन सुस्त 246 रनों के बदले बॉयकॉट को मिली अगले मैच से बाहर बैठने की सजा। जवाब में भारत पहली पारी में तो कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी पारी में उसने मुंहतोड़ जवाब दिया, वो भी कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के शानदार 148 रनों की बदौलत। इस पारी के अलावा पूरी सीरीज में उनकी कप्तानी की भी तारीफ हुई, हालांकि भारत को लीड्स, लॉर्ड्स और बर्मिंघम में हार का सामना ही करना पड़ा। इस दौरे पर भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 2 में जीत हासिल की, 7 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा और 9 मुकाबले ड्रॉ हुए। इन आंकड़ों का संदेश साफ था, मेहनत करते रहो, मंजिल अभी दूर है। अब आता है 70 का दशक, वो दशक जहां पर सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ ये भारत की पीठ बनना शुरू हो गए।
ये वो दशक है जब कपिल देव नाम का तेज गेंदबाज भारत से निकला। इस दशक में भारत इंग्लैंड 3 बार गया, 1971, 1974 और 1979। भारत 2 सीरीज हारा, 1979 में हारा, 1974 में हारा, लेकिन 1971 में भारत इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में कामयाब हुआ था। 1932 से जिस सफर का आगाज हुआ, 1971 में जाकर पहली बार भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में सीरीज हराई। उस सीरीज में ओवल टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, जहां पर चंद्रशेखर ने जाकर विकेट ली थी। और इस दशक ने भारत को दुनिया की अच्छी टीमों में से एक बना दिया। भारत घर में जीतता था लेकिन विदेश में जाकर इतना अच्छा नहीं खेलता था। स्पिन चौकड़ी काम कर रही थी और यह दशक खत्म होते होते कपिल देव नाम का तेज गेंदबाज भारत के पास आ गया। यह वो दशक था जहां से वनडे क्रिकेट भी शुरू हुई। 75 और 79 में 2 वर्ल्ड कप भी खेले गए, इंग्लैंड में ही खेले गए, और भारत लगातार हारता रहा, यहां तक कि एसोसिएट मेंबर श्रीलंका ने भी वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत को हरा दिया। 1971, लंबी अंधेरी रात के बाद भारत के लिए ये ताजगी भरी सुबह थी। वो सुबह जब पहली बार भारत ने जीत का स्वाद चखा था, वो सुबह जो करीब 40 साल के इंतजार के बाद आई थी। और वो जब आई तो ओवल में नजारा कुछ इस तरह था। हालत ये थी कि मैदान भारतीय समर्थकों से पूरी तरह भर चुका था और खुद को बचाने के लिए अंपायर को स्टंप्स का सहारा लेना पड़ा। और जीत के ये लम्हे मुमकिन हुए भागवत चंद्रशेखर की फिरकी की वजह से। दरअसल पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाए थे 377 रन और जवाब में भारत ने 284। अब मेजबानों के सामने चुनौती बड़ा स्कोर खड़ा करने की थी, लेकिन लॉर्ड्स और मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद सीरीज बराबरी पर थी। लेकिन ओवल में चंद्रशेखर की फिरकी में अंग्रेज ऐसे फंसे कि पूरी टीम 101 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। चंद्रशेखर ने सिर्फ 38 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। जीत के लिए मौका सुनहरा था और दारोमदार बल्लेबाजों पर। आखिरकार भारत ने पहली बार इंग्लैंड में सीरीज जीतने का कमाल कर दिखाया। जाहिर है ये कमाल 1974 की सीरीज में हौसला बढ़ाने वाला था। लेकिन औसत बल्लेबाजी ने इस बार गेंदबाजों का साथ नहीं दिया और तीनों टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैनचेस्टर में गावस्कर ने शतक जड़ा और लॉर्ड्स में बेदी ने 6 विकेट लेकर स्पिन के जादू को बरकरार रखा। वैसे इस दौरे पर भारतीय टीम ने वनडे मुकाबलों की भी शुरुआत की, लेकिन जीत के साथ नहीं। भारत को 1979 में एक बार फिर इंग्लैंड जाने का मौका मिला। जीत तो इस बार भी नहीं मिली, लेकिन सुनील गावस्कर और कपिल देव के रूप में 2 ऐसे हीरे जरूर मिल गए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास की कई सुनहरी इबारतें लिखी। बर्मिंघम में कपिल देव का 5 विकेट हॉल और ओवल में लिटिल मास्टर के 221 रन अंग्रेजों के लिए किसी चौंकाने वाले प्रदर्शन से कम नहीं था। अब आता है 80 का दशक। इंग्लैंड में ही 25 जून 1983 कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, लॉर्ड्स में राज किया था। वो ट्रॉफी कपिल देव और उनके खिलाड़ियों ने उठाई थी। लेकिन इस दशक में भारत 2 बार इंग्लैंड जाकर टेस्ट सीरीज खेला, 1982 और 1986। 86 भी इतिहास था। 1986 में 3 टेस्ट मैच खेले गए, भारत 2-0 से जीता। कपिल देव कप्तान थे। भारत तीसरा टेस्ट मैच भी जीतते जीतते रह गया। अगर माइक गेटिंग ने वो पारी नहीं खेली होती तो भारत क्लीन स्वीप करता इंग्लैंड में। ये एक ऐसी चीज थी जो किसी ने सोची नहीं थी। इंग्लैंड में भारत को यह भी पता चल गया कि तेज गेंदबाज अच्छे होंगे तो भारत अच्छा करेगा। लेकिन 80 के दशक में भारत की बल्लेबाजी अपने चरम पर थी। 80 के दशक में भारत के पास गावस्कर के अलावा वेंगसरकर, विश्वनाथ, महेंद्र अमरनाथ और उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बल्लेबाज थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर अच्छा किया। और मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट खिलाड़ी संदीप पाटिल की वो पारी मैं भूल ही नहीं पाऊंगा जिन्होंने 1982 में ओल्ड ट्रैफर्ड के टेस्ट मैच में 127 रन की वो पारी खेली। बॉब विलिस को 6 गेंद में 6 चौके बनाने का उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। रवि शास्त्री भी उस टीम का हिस्सा थे, आज वो कोच है, और 1986 की जीत में उन्होंने भी अहम किरदार निभाया था। 90 के दशक में भारत की क्रिकेट टीम की तस्वीर बदल रही थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन एक नई टीम के कप्तान थे। 1990 का दौरा उनकी कप्तानी का दूसरा दौरा था। लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में अजहरुद्दीन कप्तान के तौर पर बड़ी चूक कर गए। टॉस जीतकर उन्होंने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करा दी।
और इंग्लैंड के कप्तान ग्रैहम गूच ने 333 रनों की पारी खेली। हालांकि 33 रनों पर उनका एक कैच छूटा था, उसके बाद उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। इस दौरे पर खूब रन बने और मोहम्मद अजहरुद्दीन की लॉर्ड्स की उस शतक को रिची बेनो ने उस वक्त कहा था कि लॉर्ड्स में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ शतक है ये। इस दौरे पर यंग सचिन तेंदुलकर नजर आए। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही खेला गया था, 100 बनाया और उस वक्त वो भारत के यंगेस्ट खिलाड़ी थे जिसने टेस्ट इतिहास में पहला शतक बनाया हो। सचिन तेंदुलकर एक बड़ा नाम हो चुके थे और 1996 में जब भारत दोबारा इंग्लैंड गया तो मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी पर सवाल थे और वाइस कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर। हालांकि अजहर कप्तान बने रहे उस दौरे के बाद उनकी कप्तानी गई, लेकिन उस दौरे पर भारत को सचिन के अलावा दो नए सितारे भी मिले, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। दोनों ने लॉर्ड्स में डेब्यू किया। सौरव गांगुली ने डेब्यू पर 100 बनाया, अगले टेस्ट मैच में भी 100 बनाया। राहुल द्रविड़ ने 80 और 90 रन की पारियां खेली और यह साफ हो गया था कि अब इंग्लैंड के लिए भारत तैयार है। हालांकि 1990 और 1996 दोनों में भारत को हार का ही सामना करना पड़ा। इस दौरान 99 में वर्ल्ड कप भी हुआ इंग्लैंड में और भारत के लिए वर्ल्ड कप बहुत फ्लॉप रहा, लेकिन अब टीम विदेश में जाकर जीतने के बारे में सोच रही थी। विदेश में जीत महज सपना नहीं रह गया था। अब बात मिलेनियम की। सौरव गांगुली बन गए हैं कप्तान। 2002 में भारत जाता है इंग्लैंड, भारत जाकर लॉर्ड्स टेस्ट मैच हार जाता है और एक ऐसे मैदान पर जहां पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सारी दुनिया के छक्के छुड़ाते हैं हेडिंगले, वहां भारत टेस्ट मैच जीतता है। सीरीज 1-1 से बराबर होती है। उस दौरे पर वीरेंद्र सहवाग ओपन करते हैं, खूब सारे रन बनाते हैं। अब भारत की टीम कंप्लीट नजर आती है। सहवाग, एक और सलामी बल्लेबाज, 3 नंबर राहुल द्रविड़, 4 सचिन तेंदुलकर, 5 सौरव गांगुली और 6 नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण। ये भारत की टीम अब दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी। 2002 दौरे पर भारत ने डेटवेस्ट सीरीज भी जीती। आपको याद होगा युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की वो शानदार बल्लेबाजी, एक ऐसी सीरीज जिसमें भारत के पास सौरव गांगुली कप्तान, टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी, भारत की टीम आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए तैयार थी। 2007 में भारत जब इंग्लैंड गया तो कप्तान राहुल द्रविड़ थे। 1971, 1986 और 2007 में भी भारत ने सीरीज जीती थी। महेंद्र सिंह धोनी भी उस टीम में आ चुके थे और भारत के लिए 2007 का दौरा इसलिए यादगार था क्योंकि भारत की बल्लेबाजी ने रन बनाए और भारत के तेज गेंदबाजों ने भारत को जीत दिलाई। 2007 का दौरा एक टेम्पलेट भी था आने वाले वक्त के लिए क्योंकि अब इंग्लैंड में डरता था भारत को खेलने के। अब मौजूदा दशक 2011, उस दौरे से उम्मीद बहुत थी क्योंकि उस दौरे का आगाज होना था लॉर्ड्स टेस्ट मैच। वो क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था। सचिन तेंदुलकर के 99 शतक हो चुके थे और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि सचिन लॉर्ड्स में 100 बनाएंगे। उन्होंने जिंदगी में कभी लॉर्ड्स में 100 नहीं बनाया था, लेकिन वो दौरा भारत के लिए बहुत दर्दनाक रहा। उस दौरे पर भारत को मायूसी, हार, इन सब का सामना करना पड़ा। किस्मत भी भारत के साथ नहीं थी। एक एक कर खिलाड़ियों को चोट लगती रही। मसलन उस सीरीज के पहले ही दिन जहीर खान चोटिल होकर दौरे से बाहर हो गए, उसके बाद युवराज सिंह को चोट लगी, हरभजन सिंह को चोट लगी। ज्यादातर खिलाड़ी हार को फेस नहीं कर पा रहे थे। धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे क्योंकि भारत उन 4 टेस्ट मैचों को हार कर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही कमजोर टीम। राहुल द्रविड़ वाहिद बल्लेबाज थे जिसने रन बनाए, लेकिन जब जब भारत को मौके मिले किस्मत ने भी भारत का साथ नहीं दिया। 2014 में धोनी की ही कप्तानी में भारत इंग्लैंड गया, यह आखिरी दौरा था। इस दौरे पर बहुत सी उम्मीद थी। भारत ने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच भी जीता, अजिंक्य रहाणे का वो शानदार शतक, ईशांत शर्मा की वो यादगार गेंदबाजी, लेकिन उस दौरे पर विराट कोहली फेल हो गए। विराट कोहली 10 पारियों में रन नहीं बना पाए और भारत सीरीज में लीड करने के बावजूद वो सीरीज गंवा बैठा। 2014 ने भारत को सिखाया भी बहुत कुछ क्योंकि 2018 में अब जब भारत वहां पर जा रहा है तो ना सिर्फ टेस्ट, वनडे बल्कि T20, ये पूरा दौरा जीतने की बात करें। विराट पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। विराट के पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो शायद सबसे ज्यादा फिट हैं। इंग्लैंड भी ये जानता है कि अगस्त में जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो उसके पास सीमिंग ट्रैक्स नहीं होंगे। सीमिंग ट्रैक पर भारत के बल्लेबाजों को दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन इंग्लैंड ये भी जानता है
कि सीमिंग ट्रैक्स पर भारत के तेज गेंदबाज बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इस दशक में दो बार भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी खेला इंग्लैंड ने। 2013 में भारत जीता था और पिछले साल 2017 में पाकिस्तान से फाइनल में हार गया था। और ये मानना पड़ेगा हम सबको कि इस दशक में इंग्लैंड का सबसे बड़ा दौरा अगले साल है, तो अगले साल इंग्लैंड में ही इन्हीं दिनों में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और ये दौरा भारत को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक।